खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको जानकारी दे दे, जम्मू कश्मीर की त्राल से खबर आ रही है जहां पर 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के त्राल में 3 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चला रहे हैं और मारे गए आतंकियों में सज्जाद नाम का आतंकी भी शामिल है, जिससे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है कि पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के काफिले में जो सीआरपीएफ की गाड़ी पर हमला किया गया था, जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी वो इसी आतंकी की गाड़ी थी। सज्जाद नाम का ये आतंकी, मारे गए आतंकियों में 2 कश्मीर के रहने वाले थे और 1 आतंकी पाकिस्तान का। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? सुषमा, देखिए कल सुबह ये मुठभेड़ त्राल के पिंगलिश इलाके में शुरू हुई थी और दिन भर चले ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने शाम के समय इस मकान को विस्फोटकों से उड़ा दिया था, जिसमें ये 3 मिलिटेंट छुपे हुए थे। हालांकि पहले ये बोला गया था कि केवल 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, लेकिन बाद में मलबे की तलाशी में 3 शव बरामद हुए, जिनकी पहचान आज सुबह पुलिस की तरफ से जारी की गई, जिनमें एक के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक पाकिस्तानी है, जैश ए मोहम्मद से ये 3 हैं, जबकि 2 जो स्थानीय मिलिटेंट इसमें मारे गए उनमें सज्जाद, जिसने इसी पिछले महीने ही जैश ए मोहम्मद में शामिल होने की घोषणा की थी और उसी की गाड़ी का इस्तेमाल, इको गाड़ी का इस्तेमाल नेतपुरा हमले में हुआ था, जबकि दूसरे के बारे में कहा जा रहा है कि वो मुजम्मिल मुदस्सिर है, जो कि त्राल का ही रहने वाला है और 2017 में वो जैश ए मोहम्मद में शामिल हुआ था और सरहद पार जाके वहां पे उसने आईडी बनाने की ट्रेनिंग भी ली थी और आईडी एक्सपर्ट माना जा रहा है उसका। इस पुलवामा में हुए हमले के बारे में कहा जा रहा है कि दोनों सज्जाद और मुदस्सिर दोनों का ही उसमें रोल था और उससे पहले भी जो लठपुरा में सीआरपीएफ के ऊपर जनवरी 2017 में हमला हुआ था, फिदाई हमला, उसके पीछे भी जो दिमाग था वो मुदस्सिर का ही माना जा रहा है। यानी दोनों के मारे जाने के बाद ना सिर्फ पुलवामा में हुए सीआरपीएफ हमले की 2 और मास्टरमाइंड मारे गए हैं, बल्कि जैश ए मोहम्मद के 3 और मिलिटेंट मारे गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आसिफ कुरैशी, बहुत बड़ी जानकारी देते हुए सुरक्षा बलों के हाथ बहुत बड़ी कामयाबी लगी है। पुलवामा हमले में जिस आतंकी की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, उस आतंकी को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है, सज्जाद नाम का यह आतंकी। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे और आपको लगातार बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और सबसे तेज नतीजे 23 मई को आप देखेंगे एबीपी न्यूज।